चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं। हाँ oh, me. गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक। हेलो नमस्कार, हम कैसे वनकम, वेलकम बैक मेरे दोस्तों। मैं हूँ आपको दोस्त प्रमोद, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद प्रमोद। तो आज है डे 2। कल हम लोग चिकमंगलूर पहुँच गए थे, आपको दिखाया था। मैं चिकमंगलूर पहुँच गया हूँ, काफ़ी अच्छे से ट्रैवल हो चुका है, नो प्रॉब्लम नथिंग। कॉफ़ी पैराडाइज करके हमारा होम स्टे है, हमने जो बुक किया था, जो रिकमेंडेशंस आए थे उनमें से हमने कॉफ़ी पैराडाइज सेलेक्ट किया। एक चीज़ ये है कि यहाँ पे आने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, ओके, आपको रास्ता ढूंढने में थोड़ा तकलीफ़ हो सकता है। तो चिकमंगलूर सिटी से लेकर के यहाँ पे आने के लिए 20 से 25 किलोमीटर तक आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। हेयरपिन बेंड्स है, एक अलग से आपको मेन रोड से जो हिल चढ़ रहे हैं वो रोड छोड़ते हुए एक डिटूर करना पड़ेगा, एक अलग से एक रूट लेकर के आपको ये जंगल के इलाके से होते हुए आपको कॉफ़ी पैराडाइज आना है। रात में आना थोड़ा स्केरी है, नो डाउट। शाम को 6 बजे के पहले ही पहुंच रहे हो तो वेरी गुड, दिस प्लेस इज़ वेरी नाइस। अभी हम लोग निकलने वाले हैं, अभी हमारा आज का विज़िट होने वाला है। आज हम लोग जाने वाले हैं मुल्लयनगिरी, बाबा बुडन गिरी जाने वाले हैं, झरी फॉल्स भी जाने का प्लान है, बट झरी फॉल्स में देखते हैं क्या सीन है, क्योंकि जाएंगे करके सोच तो रहे थे, बट जस्ट इन केस अगर मज़ा नहीं आएगा तो वी विल लीव, नहीं करेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, एक लेक है यहाँ पे, हीरेकोलाले लेक, तो वो भी है, तो हीरेकोलाले लेक भी हम लोग करेंगे आज। उसके बाद फिर शाम को विल गो टू चिकमंगलूर सिटी, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पे। तो कॉफ़ी पैराडाइज से निकल चुके हैं हम, ओके यस। तो हर्षा जी आपको रेडी रहना है। दोस्तों देखो ये ऑफ रोड देख रहे हो, कल रात को घने अंधेरे में हाँ बता रही है, सुनाई दे रहा है आपको। अच्छा ये बता रहे थे शायद वो, चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं। हाँ ओके, रुक जा, तो कुछ मत कर, मैं कर लेता हूँ। हाँ शुरू में गाड़ी गिर गया। क्या हुआ था? हम लोग कैसे कैसे करके मेन रोड पे आ चुके हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था वो कॉफ़ी पैराडाइज से मेन रोड पे आने के लिए, तो हमने क्या किया, हमने एक अलग से डिटूर लेने की कोशिश की। यू नो, जो रूट से आए थे हम कॉफ़ी पैराडाइज, वो रूट से नहीं करेंगे, कुछ और रोड करेंगे करके। इस तरीके से हम लोग को थोड़ा लफड़ा हो गया, बट कोई बात नहीं। ये मेन रोड पे आने के बाद राइट साइड में मैं देखता हूँ बहुत बढ़िया बढ़िया सा माउंटेन्स है, एंड इट्स अ वेरी नाइस। सारे के सारे पेड़ है, कम्प्लीटली जंगल है बॉस, कम्प्लीटली जंगल है, बहुत ज़बरदस्त इलाका है। तेरा फ़ोन चार्जिंग भी होना चाहिए ना, वो भी देख रहा हो रहा है। 10 रुपीज़ ओके। ये है हमारा पावती, बाइक के लिए 10 रुपया है और कार के लिए 20 रुपीज़ है। मुल्लयनगिरी और बुडनगिरी भी सेम रूट में आ जाएगा, ओके। वैसे मैं आपको बता दूँ टाइमिंग, ये जो टोल नाका है ना, जो जहाँ से अपने को टोल कटा अभी, वो 6 बजे शाम को बंद हो जाएगा। तो मॉर्निंग 6 o'clock को ओपन होगा और शाम को 6 o'clock को बंद हो जाएगा। तो सुबह उठ के सनराइज़ देखने के चक्कर में अगर 4 बजे निकल जाओगे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो 6 बजे से पहले ये टोल ओपन नहीं होने वाला है। वैसे अभी बज रहा है 11, तो हमें कोई सनराइज़ वगैरह देखने नहीं मिलने वाला है। ओके दोस्तों, बाबा बुडन गिरी वाला टर्न भी पीछे ही चला गया। मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। 11:15 बज गया इस चक्कर में ना। व्यू इतना ज़बरदस्त नहीं दिख रहा है, बट ठीक है। वहाँ उस तरफ वो देखो, मेरे ख्याल से वही है हीरेकोलाले लेक। आई डोंट नो दोस्तों, मुझे भी नहीं पता। मैं तो लेक तो बहुत सुंदर है। और इन जंगलों के बीच में वहाँ पे एक रिसोर्ट है, वहाँ पे भी है। वो वाला बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। आई नो कैमरा में आपको दिखेगा नहीं, बट क्या करें, हमें तो दिख रहा है, इसके लिए हम बता रहे हैं। और हम बता रहे इसके लिए रहे क्योंकि आप लोग आएंगे, आप आएँगे तो देखेंगे, आपको भी देखने को मज़ा आएगा। ओके, हम लोग जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। ओ, ये कौन सा जगह है? Oh, is it? Yes. All right. तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारा हवा चल रहा है। आई डोंट नो अगर मेरी आवाज़ बराबर से आप लोगों को सुनाई दे रही है कि नहीं। यहाँ पे ना नेटवर्क का इश्यू है। मुल्लायनगिरी में सिर्फ वोडाफोन और जियो आता है, एयरटेल बिल्कुल नहीं आता। बाकी का मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो ऊपर आपको छोटा चटपटा खाने को मिल जाएगा और मैगी वैगी भी दिख रही है मुझे वहाँ पर। हाँ, मैगी शैगी भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं। यहाँ पर आ सकते हो, पार्किंग लॉट भी है, ठीक है। देखो, जब क्राउड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते यार उसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना, कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होगा या फिर लॉन्ग हॉलीडेज़ होगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है, तो वही ऊपर आने देते नहीं है वो लोग। आगे ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, ऊपर जाएंगे मुल्लायनगिरी। वो देख रहे हो, वैसे वैसे सीढ़ी वीढ़ी चढ़ के जाना है। तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 से लेकर के 600 सीढ़ी के आसपास है ये। हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ये मुल्लायनगिरी का स्टार्टिंग पॉइंट है। ट्रैक करके यहाँ से जाना, सीढ़ियाँ हैं और ये बहुत सारे शॉप्स हैं। थक तो जाओगे दोस्तों, 550-600 सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो थक तो जाएंगे, बट बहुत अच्छा है, वर्थ कमिंग हियर। तो ये देखो, दिस इज मुल्लायनगिरी। सिटिंग इन द लैप ऑफ नेचर इज द ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ चिकमंगलूर, सिचुएटेड इन कर्नाटका। द विजिट टू चिकमंगलूर इज इनकम्प्लीट विदाउट पेइंग अ विजिट टू मुल्लायनगिरी हिल्स। इट इज अबाउट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम चिकमंगलूर। Mullayanagiri stands tall at the height of 1950 meters above the sea level, being the highest peak in Karnataka. Okay, हमने ना बहुत सारे अच्छे अच्छे फोटोज निकाले, लेकिन फिलहाल मुल्लायनगिरी का दर्शन नहीं हुआ है। हमने अभी तक मंदिर गए नहीं, ऊपर जाना है, जाएंगे। Let's go to temple करके फिर सीधा यहाँ से निकलते हैं, बाबा बुडनगिरी करेंगे and then फिर बाकी का चीज़ें। We are getting late. 1 बज चुका है। We need to go. मुल्लायनगिरी करके हो चुका है। अभी हम जाएंगे नीचे, वहाँ से बाइक लेके सीधा बाबा बुडनगिरी। ऑलराइट, आई हैव मेट फ्यू फ्रेंड्स हियर। मैंने उनसे बात किया, उनको बताया मैंने सब्सक्राइब करने के लिए। देखो, सब्सक्राइब टू माई चैनल टीम पे ये लोग आए, ये सारे के सारे, ये मित्र भी हैं। ओके, तो मुल्लायनगिरी हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है। यार ये क्या हो रहा है, कल भी हमारा पहला स्पॉट बहुत टाइम लिया, आज भी हमारा पहला स्पॉट काफ़ी टाइम ले लिया। नहीं, वैसे देखा जाएगा तो आज का प्लान के मुताबिक मुल्लायनगिरी वॉज अ मेन स्पॉट। तो यहाँ पे चलो, अगर हमने ज़्यादा टाइम भी नहीं बिताया, ज़्यादा से 1-1.5 घंटा ही बिताया, उसके ऊपर नहीं डाले यहाँ पे। बाप रे, वो श्रावण बेला गोला, इट वॉज अननेसेसरी 4 hours फॉर अस। गलीकेरे लेक, मुल्लायनगिरी, इधर इनाम दत्तात्रेय, ये वही है। देख ऊपर, देख कौन सा तो है, जाएगी ना गाड़ी चढ़ी बिड़ के। तो मैं हाँ, माणिक्यधारा, वो बोल रहा था ना, माणिक्यधारा और गलीकेरे करके दो है, अपन गलीकेरे जानेंगे करके। ये नाम दत्तात्रेय है ना, अपने को इसी रोड पे जाना है। तो ये होन्नम्मा देवी फॉल्स है, ये झरी फॉल्स के पहले ही है। अभी तक तो झरी फॉल्स आया नहीं है, आज सच हमें दिखा नहीं है कि झरी फॉल्स या ये वो रास्ते में होगा करके। और हम लोग बाबा बुडनगिरी जा रहे तो ये वाला फॉल्स हमें दिखा। हम यहाँ पे रुक कर के ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे सीधा बाबा बुडनगिरी देखेंगे, फिर वहाँ से निकल के वहाँ से एक और गलीकेरे कुछ तो लोकेशन है, वहाँ पर जाना है। ओके, कुछ तो फॉल्स है, दबदबे, कौन सा ये झरी फॉल्स है क्या? अच्छा, झरी फॉल्स, ओह चलो ठीक है, ये है झरी फॉल्स, हमें समझ में आ गया। तो हर्षा कह रही है कि झरी फॉल्स के पास अगर आसपास रहोगे तो इधर ही झरी फॉल्स देख लेना इस तरफ, और इस तरफ आकर के रूम में चेंज कर लेना। बट सिर्फ झरी फॉल्स देखने के लिए हमें यहाँ पे रूम लेना, आई डोंट थिंक दैट्स वर्थ इट। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आप लोगों को मुल्लायनगिरी बाबा बुडनगिरी एक साथ हो जाएगा, ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोलती है? ओके दोस्तों, हम लोग बाबा बुडनगिरी पहुँच गए। ये बाबा बुडनगिरी में गाड़ी घुमा करके दिखाऊँगा अच्छे से, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये बाबा बुडनगिरी है इसके लिए हम लोग वापस घुमा के दिखा रहे हैं। वो बाबा बुडनगिरी के लिए वो रास्ता है, वो गली जो जा रही है, तो वो एक्चुअली दरगाह है, और दर्शन जिसको करना है चप्पल वगैरह यहाँ उतार के जा सकते हैं। तो हम तो वहाँ नहीं जा रहे, हम यहाँ पे दूसरे कोई जगह पे एक्सप्लोर करेंगे। और ये देख रहे हो, ये बोर्ड देखो, गालिकेरे इस तरफ से है, माणिक्यधारा उस तरफ से। तो अभी हम माणिक्यधारा भी जाएंगे और गालिकेरे भी जाएंगे। पहले माणिक्यधारा जाके आएंगे, उसके बाद गालिकेरे एक्सप्लोर करके फिर निकल जाएंगे। तो चलिए हम जाते माणिक्यधारा। सो वी आर ऑन द रूट टू माणिक्यधारा, और माणिक्यधारा जाने के लिए ये पूरा का पूरा ऑफ रोड है। हाँ, अच्छा है, ऑफ रोड का भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा ये सीज़न में हाँ, इसके पहले हुआ है, कल रात को भी थोड़ा बहुत ऑफ रोड हुआ है, सुबह भी थोड़ा बहुत ऑफ रोड हुआ है, बट दैट इज़ टू लेस, दैट्स वेरी लेस। ओके, तो माणिक्यधारा और गालिकेरे, ये दोनों के दोनों व्यू पॉइंट्स हैं और कुछ नहीं। तो हम दोनों भी व्यू पॉइंट्स पे जाने वाले हैं, तो लेट्स गो। हाँ, सो लेट्स ट्राई टू गो इनसाइड। ओहो हो, ये है लेक लेक नाइस नाइस। ओके सो हम निकल रहे हैं। आई होप आप लोगों को दिखता रहेगा। यस हर्षा इज वेविंग। तो हैप्पी या तो मैं आपको ये लेक तो दिखाया हूँ। एग्जैक्टली किलोमीटर्स देखो 360.0। बैंगलोर से निकले हुए 360 किलोमीटर हो गए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन फॉर फोटोशूट दोस्तों। हाँ बहुत ही कम लोग आते हैं। बाबा बुडन गिरी आओ तो यहाँ पे आकर के आधा एक घंटा टाइम स्पेंड करो एंड देन फोटोशूट भी कर लो। तो अभी हम माणिक्यधारा वो लोकेशन पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो है कुछ नहीं, जस्ट ए व्यू पॉइंट है। यहाँ से गालीकेरे जाएंगे, गालीकेरे करके फिर वहाँ से हम निकलेंगे हिरेकोलाले। हिरेकोलाले लेक। ओ वो क्या है भाई? वो जो योगा टावर है क्या है वो? जियो का टावर। अच्छा ओके दोस्तों ये ऊपर से देख लो। हम मैं वहाँ खड़े रह करके आपको बता रहा था। अभी वाई शेप में अगर जैसे आप आओगे लेफ्ट लेके तो गालीकेरे जाओगे, आप आने के टाइम राइट मारोगे तो माणिक्यधारा। लेकिन देखो बाबा बुडनगिरी का एंट्री देखो, वहाँ से वो जाली वगैरह एंट्री ऐसे ऐसे करके जाओगे। वो जो उस तरफ जो कोने में लास्ट में जो घर है वो बाबा बुडनगिरी है, शायद दरगाह है। तो अभी हम जाएंगे गालीकेरे करेंगे, वहाँ से फिर सीधा निकलेंगे लेक की तरफ, हिरेकोलाले लेक। ओके वहाँ पे व्यू पॉइंट है। दिस इज गालीकेरे व्यू पॉइंट दोस्तों। ओ वहाँ पे पूरे के पूरे ये लगे हुए हैं फोर्ट के जो दीवारें होते हैं ना, उस तरीके से दीवार है यहाँ पे। हो सकता है एक ज़माने में ये फोर्ट भी होगा यहाँ पे किसी तरीके का, आई डोंट नो। पर ये देख रहे हो अभी जैसे गाड़ी आ रही है ना, वो ऑफ रोडिंग करके हमने बाइक पे आए यहाँ पे। ओ हो ऑल्टो बन आती है। तो देखो अगर ये 4 व्हील ड्राइव होगा तो ये आराम से जाएगा, पर ये 4 व्हील ड्राइव वो ऑल्टो 4 व्हील ड्राइव नहीं होने की वजह से उसको तकलीफ हो रहा है। आपण इथं जाऊन यायच का म्हणजे नाही नाही मग चला घरी। हर्षा कह रही है कि हर्षा को डर लग रहा है एंड शी इज लाइक यहाँ पे कोई आता नहीं है तो हम जा रहे हैं, वो भी डर लग रहा है। तो ठीक है कोई बात नहीं, हम अभी यहाँ नहीं जाते हुए हम डायरेक्टली नीचे चले जाएंगे और फटाफट यहाँ पे अभी नाश्ता करेंगे और यहाँ से निकलेंगे सीधा हिरेकोलाले लेक। क्या क्या वापस बोल हिरेकोलाले लेक। तो दोस्तों गालीकेरे वो भी हो गया, आपको दिखा दिया हूँ मैं गालीकेरे में दिखता क्या है होता क्या है। थोड़ा और आगे जाते शायद लेक वगैरह मिलता, पर हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया क्योंकि हर्षा को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था बिकॉज काफ़ी लोनली है यार। गालीकेरे के पास बहुत कम लोग आते हैं बिकॉज थोड़ा रिस्क भी है यू नो। यहाँ पे जो फेंसिंग है वो प्रॉपर नहीं है। जब हम जा रहे थे ना तो काफ़ी स्लो जा रहे थे, इतने ही स्पीड में जा रहे थे पर एक डर का माहौल था क्योंकि कोई नहीं था। यही पेट्रोल बंक है, इसी के अपोजिट से हमें निकलना है। एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला बात हो रही है दोस्तों क्योंकि हमें जाना है हिरेकोलाले लेक। जैसे मैप दिख रहे हैं, मैप में ये सारे रास्ते वास्ते वो वहाँ से बता रहा था, वहाँ पे गए तो पता चला कि नहीं है ये वो रास्ता नहीं है। मैं आपको बाद में बताऊँगा आज का डे के दिन क्या क्या इशू हुआ है, बी इट विथ नेटवर्क और एनीथिंग एल्स। नेटवर्क ना होने की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और डिपेंडेंसी बढ़ जाता है। हम लोग अभी पहुंच गए हिरेकोलाले लेक के पास। ठीक है अभी काफ़ी सारी चीज़ें बन रही हैं, ये बिल्डिंग भी बन रहा है अभी, तो जाना हमें वहीं पे है। तो हाँ सीधा वहीं तक जाएंगे, कोशिश करेंगे। ऑलराइट सो हम लोग पहुँच गए हिरेकोलाले लेक। और हमने सोचा था कि बहुत ही बढ़िया सा एकदम मस्त वाला टाइम लैप्स निकालेंगे सनसेट का, बट हो गया पोपट, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देखो वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे सनसेट हो रहा है। और ये है अपना हीरेकोलाले लेक, सो ये देख रहे हो। तो इट्स मोर ऑफ आराम से टाइम स्पेंड करो, एक दो घंटा आप बैठो यहाँ पे, चिल करो, हवा पानी लो, दैट्स द काइंड ऑफ अ प्लेस हियर। सनसेट एज सच फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। हो सकता है जैसे कि हर्षा कह रही है कि उत्तरायण दक्षिणायण के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस बार वो हमें नहीं दिखता होगा, कि 6 महीने बाद या फिर 4-6 महीने के बाद हमें दिख सकता है। इस तरफ से कहीं और तरीके से सनसेट होगा तो समझ में आ जाएगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए इस तरफ सनसेट है तो फिर उतना ब्यूटीफुल व्यू नहीं है। हाउ आर यू? Good. How do you look at this place? Disappointed. Lake के लिए अच्छा है, इतना beautiful lake है, ऐसे मैं नहीं कह रही कि lake अच्छा नहीं है। Anyway, this lake is a little bit of a disappointment. क्योंकि ढंग से बैठने को जगह नहीं है कि कर कहते हैं ना, लेक बहुत सारे वीडियोस में देखा कि हीरेकोलाले लेक जाओ, सनसेट देखो। कहाँ से देखे, किधर से देखे सनसेट? सन तो सेट ही हो रहा है, और अगर वो सन भी उधर है, हाँ उधर है। अगर सन इधर सेट होता तो इधर बैठने के लिए जगह है, तो मैं इधर से बैठ के ऐसे सन को सेट करते हुए देख लेती, पर सन उधर है, इधर नहीं है। एग्जैक्टली तो डिसअपॉइंटमेंट 6 out of 10। Oh me. Which channel? Your YouTube channel? YouTube channel. Travel with Pramod. Look like. Thanks, man. Do subscribe to my channel. Sure. Thank you. Look like. लोग मेरे वीडियो ऐसे ही देखते हैं। ओके ओके। We leave this place. चिकमंगलूर जाना है हमें। चलो यार, टाइम हो रहा है 8:25। हम अभी पहुंचे हैं कॉफी पैराडाइज होम स्टे में। डे इट वाज अ लॉन्ग डे, नो डाउट। सब कुछ रेडी होके ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं 11 बजे, और सीधा मुल्लयानागिरी वहाँ पे गए, बाबा बुडन गिरी, गालिकेरे। गालिकेरे के बाजू में कौन सा रास्ता था? कहीं तो म है, कहीं तो य है, कहीं तो ख है, और गिरी गिरी, ठीक है। क्या था वो? कहीं तो म है, कहीं तो य है, और कहीं तो ख है, एंड देन गिरी। ठीक है दोस्तों, वो तो मैं आपको नीचे लिख के दिख जाएगा वो। है ना, वो किए। उसके बाद फिर वहाँ से हीरेकोलाले लेक किए, फिर वहाँ से हमें चिकमंगलूर सिटी में जाना था, तो हमने सोचा था थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, बट जाते जाते लेट हो गया यार। लेट होने के बाद फिर हम लोग ने सोचा चल छोटा चटपटा लेकर के आएंगे, थम्स अप तो लेकर के आएंगे, और पानी लिए। प्रॉब्लम यह है कि इनके पास ना बॉटल्ड वाटर का सुविधा नहीं है। यू हैव टू ड्रिंक द वाटर दैट दे विल प्रोवाइड इट टू यू, यू नो। वो लोग जग में ला करके देंगे, वो पानी पियो। अच्छा पानी है, बट सबको शायद ना जमे। सो आज का दिन अच्छा गया। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आई नो आज मैंने आपको कहा था कि मेरा रूम दिखाऊंगा, तो जो सुबह में दिखा रहा था ना, स्टूडियो के पास मेरा एक डोर ऑन होता है, डोर है वो ये वाला है स्टूडियो के पास, और उसके बाद तुम अपना सामान यहाँ पे रख सकते हो। हाँ, 2 चेयर है, हमने सारे जैकेट्स और पैंट्स और राइडिंग एक्सेसरीज और हेलमेट वगैरह यहाँ पे रख दिए। एंड देन व्हेन यू गेट इनसाइड, यहाँ पे एक टीवी है, टीपॉय है, एक बेड यहाँ पे और एक बेड यहाँ पे, तो हमने हमारा सारा पसारा यहाँ पे और यहाँ पे रखिए, ताकि दिस इज द प्लेस दैट वी कैन टेक रेस्ट। डबल बेड्स 3 हैं, आपका स्टोरेज है, कपाट वगैरह। एंड देन यहाँ पे ये वॉशरूम है। बाहर हमें एक बालकनी मिली है यहाँ पे, सो दिस इज द बालकनी। हमने भी अभी तक एक्सप्लोर किया नहीं है। पीछे आएंगे, दिस इज द मेन प्लेस वेर यू कैन सिट, एन्जॉय, टाइम पास करो, नो बडी इज गोना स्टॉप यू, दिस इज योर प्राइवेट प्लेस। आप लोगों को आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड हमने बहुत सारे फोटोज खींचे दोस्तों, सारे के सारे इंस्टाग्राम में डालने वाला हूं मैं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट, इंस्टाग्राम पेज पे जाकर के मुझे फॉलो करो। ऑल राइट देन, सी यू ऑल टुमारो। लव यू ऑल, लिव इन पीस, बाय बाय, टेक केयर।